हाय सर, वेलकम टू स्टार्टअप्स। मैं आपकी कैसे मदद करूँ? ओके, तो गाइस, क्योंकि स्टारबक्स की कॉफी बहुत महंगी है तो मैंने अपना एक स्टारडक्स खोला है। एंड आज हमारा गोल है कम से कम 100 कॉफी बेचने का। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू स्टारडक्स। ये कैफे बाकी सारे कैफे से बहुत अलग है क्योंकि इस कैफे में मैंने 2 प्रोफेशनल गुंडे हायर किए हैं एंड उसके साथ मैंने एक डग भी हायर किया है और कस्टमर्स बुलाने के लिए। एक नंबर के बदतमीज। अरे दस में से कैसी लगी बताना? 6। I don't like walnuts. Starbucks और असली में ढका क्या है यहाँ पे? Honest review देना, ठीक है? दस में से कितना नंबर दोगे? भाई, ओह माय गॉड, कितना मस्त लग रहा है। स्टारडक्स कॉफी पीता है इंडिया। डक स्टार डक्स। हमारे पास ला फ्रेंच कॉफे, ली फ्रेंच कॉफे, लू फ्रेंच कॉफे और स्टारडक्स स्पेशल कॉफे। इंग्रेडिएंट्स लीक हो रहे हैं। अरे अरे, नहीं नहीं, नेस्ट कैफे ने वीडियो स्पॉन्सर किया है। बुला ले, रोक ले, रोक ले, साइकिल वाले को। कॉफी पी लो, कॉफी पियो वरना गोली खाओ। नहीं नहीं नहीं, आ जाओ। अरे मजा। तो गाइस, आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है तो इसलिए मैं एक पोएम बोलना चाहता हूँ। हमारा नाम है स्टारडक्स। हम नहीं देते फक्स। इंसान चाहे जैसा भी हो, हमारा काम है उसे कर देना खुश। स्टारबक्स बैंच तो कुछ नहीं है इसके सामने। बता रहा हूँ, स्टारबक्स से अच्छी है ये। बहुत बढ़िया यार। अच्छा, ये भी काला, ये भी काला, मैं भी काला, भाई भी काला। ये पिंक, पिंक गुलाबी, गुलाबी। सही, आई होप लाइक दैट। आरुष, यस, उज्ज्वल, ये क्या है? ये तो अंडे लग रहे हैं। कैसा है? अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। एम्बुलेंस बुलाओ। तो गाइस, आज से मैं एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं अपने स्टार्टअप्स की सक्सेस की मदद से एक नया घर ले रहा हूँ। वेलकम टू स्टार्टअप। यस सर। ये क्या है? अरे ये क्या है? अरे लिखा ही नहीं जा रहा है। What the fuck? मेरे को ऑनेस्ट रिव्यू देना, ठीक है? 10 में से 10 है कि नहीं है? यस सर। अरे भाई, आराम से, तुम तो पूरा ही ठीक है। हेलो भाई, कॉफ़ी चाहिए क्या? जब तक और कॉफ़ी बन रही है, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। इस कैफे का नाम है साइन कैफे एंड रेस्टोरेंट। तो अगर तुम्हें एक जगह चाहिए चिल करने के लिए, हैंग आउट करने के लिए, तो ये बेस्ट जगह है। सुसु तो नहीं करती इसने? हेलो, गरम गरम फील हो रहा है मेरे को। ये बॉय, मैं एड्रेस लिंक में डाल दूंगा एंड इस वीडियो के बाद तुम लोग चेकआउट कर सकते हो। अभी मेरे सुनने में आ रहा है कि स्टारडक्स डूब रहा है क्योंकि कोई कस्टमर आ ही नहीं रहा है हमारे पास। हमारे इतनी मेहनत के बाद भी बहुत दुखी हैं हम लोग। हमें लगा था कि 4 करोड़ लोग यहाँ पे आ जाएंगे पर एक भी नहीं आ रहा है। मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। पर हम लोग हार नहीं मानेंगे, मैं कुछ ना कुछ सोचता हूँ। अभी तो शाम हो चुकी है, आई डोंट नो नेक्स्ट क्या होगा।